दिन के शुरुआत में पांच ऐसे काम आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देंगे, आपने सोचा नहीं था। आपको इस वीडियो के माध्यम से वो पांच काम आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर पता लग जाएंगे, जो कि शायद आपको कोई भी प्रोडक्टिव इंसान नहीं बताएगा, और आपसे अपनी इन पांच क्वालिटी को वो हर हाल में छुपाएगा। आज आपको अपने दिन की स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा होगा कि अर्ली राइज अर्ली ग्रो, मतलब जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे, और बहुत सारी वीडियोस में ये दिखाया गया है कि आपको जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आप अपने दिन में पूरा लेट होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी उठने के नुस्खे नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन उठते साथ ही पांच ऐसे काम कौन से हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने हैं, ध्यान से समझना, और कहीं हो सके तो इसको लिख लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन से आप ये प्लान करोगे कि आज से ये काम, पांच काम मुझे सुबह से स्टार्ट करने हैं, उससे एक दिन पहले रात को आप अपने पांच ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अगले दिन के, कि ये पांच ऑब्जेक्टिव मुझे करने हैं अगले दिन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पांच ऑब्जेक्टिव आपने रात को डेट डाली, टारगेट ऑफ 21st ऑफ जून, और पांच ऑब्जेक्टिव आपने डाल दिए। अब इस प्रोजेक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं अगले दिन के, ये आप उन पांच कामों को बिल्कुल बताएंगे किस तरीके से क्या काम करना है। अब आपका दिन स्टार्ट होता है 21st ऑफ जून, जिस दिन से आपने ये सोचा है कि ये पांच काम मुझे आज से ही लेने हैं और इसको इसी हिसाब से प्लान करना है। सबसे पहला काम, आपको 369 की टेक्निक को अपनाना है। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिस भी चीज को आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, या आप उस चीज में अव्वल आना चाहते हैं, तो सुबह उठते साथ ही जैसे ही आप बेड पे उठे तो आपको 3 बार वो काम लिखना है, और उसको इस तरीके से इमेजिन करना है कि वो चीज आपके पास है या फिर आप उसमें कंप्लीट सक्सेस पा चुके हैं, 3 बार लिखना है। तो ये 369 की जो टेक्निक है, मैंने इसके ऊपर पूरी प्रॉपर बहुत विस्तार से वीडियो भी बनाई है, तो आपको पूरे 5 दिन में, सॉरी पूरे 5 कामों में से पहला काम 369 की टेक्निक को अपनाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि जब भी आप सुबह उठो, कई बार बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो अगर लेट उठते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर के उठते हैं, और वो ये सोचते हैं यार शिट मैं लेट हो गया। आप जितने बजे भी सुबह उठो, आपको भगवान का धन्यवाद कहना है कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि मेरी आज आँख खुली है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, आपने इस वक्त मुझे उठाया। अब इससे होगा क्या, इससे सबसे पहले जो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना है कि जल्दी उठोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ उठ के साथ ही ये बोलना है कि धन्यवाद, आपने मुझे आज 10 बजे उठाया, 11 बजे उठाया, ये आपकी कृपा है जो मैं इतने बजे उठा। और ये जब आप बोलना स्टार्ट करोगे रेगुलर बेसिस पे अपने पांच कामों में से दूसरा काम ये करोगे, तो आपको देखना खुद बहुत मज़ा आएगा, और आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप लेट उठ रहे हो जल्दी उठ रहे हो, इससे आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जो इंसान लेट तक काम करता है ना, तो उसका जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। जो इंसान जल्दी सो जाता है तो वो आराम से उठ जाएगा, लेकिन आपका काम 2 बजे खत्म हो रहा है, 3 बजे खत्म हो रहा है, तो आपको इस चीज से बहुत फायदा मिलेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है, आपको बहुत ध्यान से अपने जो पिछले दिन के 5 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उठने के बाद आपने पहले 369 की ऑब्जेक्टिव को प्लान किया, दूसरा आपने भगवान को धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतने बजे उठाया और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, और तीसरा आपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब उन 5 ऑब्जेक्टिव में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव को उठा लेना, उसको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका बहुत टफ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 5 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में, लेकिन जैसे ही आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा कंप्लीट होगा,
पांचों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे और शाम को, रात को जब आप बेड पे जाने वाले होंगे सोने के लिए, तो उस समय आप लिख सकते हो कि मैंने 5 में से 4 ऑब्जेक्टिव किए, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे किस तरीके से गलती कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने पास एक वाटर बॉटल रखनी है, 1 लीटर या 2 लीटर की। पूरे दिन में पानी को बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको पूरे दिन में कम से कम हर घंटे में 10 बार ये बोलना है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, सबसे ऊपर हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अटपटी चीज़ें हैं, बहुत अनसुनी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव आपको कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन ये 5 ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, और ये आपको इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा कि आप उन 5 ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखा है या आपका कोई जो भी डे है वो बहुत फ्रूटफुल जाने वाला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद चिल्ला यू पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार।